लोकसभा का चुनाव सर चढ़कर बोल रहा है। अलग अलग पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कमर कस चुके हैं। इसी प्रकार मीरा भाईदार शहर में महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र मसले को जिताने के लिए महायुति के जितनी पार्टी के नेता है वो अपने वार्ड अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। इसी प्रकार आज 145 विधायक गीता जैन जेपी इंफ्रा में आई है। यहाँ पे यहाँ के नागरिकों के साथ में मदर डे मनाया, केक काटकर साथ साथ अपील किया कि आने वाले 20 मई को महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के को भारी मतों से रिकॉर्ड तोड़ जीत लाना, और लोगों से ये भी कहा है कि आपका ये जो वोट है वो बहुमूल्य है, इसलिए आप सभी लोग उतरिए और अपना मतदान कीजिए। चलिए बात करते हैं विधायक गीता जैन से, यहाँ के नागरिकों से। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बहुत उत्साह है लोगों में, और सभी जी को बहुत पॉजिटिवनेस है कि हमें मोदी जी को वापस लाना है। इसलिए सबका एक ही मत है कि मोदी जी को लाने के लिए सिर्फ हमने एक मार्गदर्शन किया है, मन में सबके वही था, हमने मार्गदर्शन किया है कि आपको एक नंबर पे धनुष बाण पे बटन दबाना है और उनको किस तरह से मोदी जी को वो मदद कर सकेंगे, अपना योगदान दे सकेंगे, वो ही मार्गदर्शन किया है। सभी से हाथ जोड़ के विनती की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान हो, ताकि मतदान के लिए जब लोग उतरेंगे तब मुझे पक्का विश्वास है कि उनका हाथ सिर्फ और सिर्फ धनुष बाण की तरफ ही जाएगा। इसीलिए सब जगह हम लोग घूम के, इस तरह से आप देख रहे हैं जेपी में, बार्सिलोना में, हर जगह घूम के हम यही बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है तो अपने आप में सभा यहीं हो जाती है कॉम्प्लेक्स में। तो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में 2000 फ्लैट्स के इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम यहाँ निवेदन करने आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान हो, तो मुझे लगता है कि सबसे असरकारक जो तरीका है वो ये है कि ऐसे अलग अलग कॉम्प्लेक्स में जाके उनसे जब हम विनती करते हैं और वहीं जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं या उनके पद पे बैठे हुए लोग होते हैं, उनको जब हम ऐसे विनती करते हैं, देखिए अभी आते आते उन्होंने कहा कि हम एक टेबल यहाँ लगा लेंगे और ये देखेंगे कि जेपी का हर एक बंदा मतदान करने के लिए उतरता है। ये पॉजिटिवनेस होता है, बस यही क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। थाने में, बार्सिलोना सोसाइटी में, मीरा भाईदार में, इवन थाना में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे एकदम अटेंशन मोड पे है। और मोदी जी का जो नारा है 400% लाना है, कैसा लगा, क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं गीता मैम को धन्यवाद दूंगी कि आज मदर्स डे को उन्होंने हमारी सब महिलाओं के लिए स्पेशल बना दिया। आज यहाँ पे उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने वक्त निकाला और यहाँ पे आए हैं हमारे लिए स्पेशल, यही था एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैम आए हैं हमारे साथ मदर्स डे के लिए। सेकेंडली मैम ने काफ़ी गाइड किया हमें, क्योंकि कई लोग बीजेपी का नारा ढूंढ वो सिंबल देखते हैं कमल को, तो उन्होंने आज क्लियर कर दिया कि बीजेपी का सिंबल ढूंढिए मत, उसमें एक फर्स्ट वाला जो है शिवसेना है, बीजेपी गठबंधन है साथ में, तो वो उन्होंने जो गाइड किया उससे काफ़ी मदद हो जाएगी। और जैसे रविंद्र जी ने कहा कि 400 पार करके पूरा सबका लक्ष्य मेरे ख्याल से वही है 400 पार करने की, तो कोशिश सब करेंगे कि मोदी जी आए आगे और जितना जिससे हो सकता है सब अपना अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के जरूर मतदान करें। हम यही बोलेंगे, वो किसको करना है वो उनका डिसीजन है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि मोदी जी आए और सब लोग अपना समय निकाल के जरूर मतदान करें और 400 सोसाइटी में आए और हमारा डे स्पेशल बनाया। और जो भी अभी इलेक्शन का टाइम है, जो भी वो सोच रहे हैं वही राइट, वही होगा और सब बराबर हो जाएगा। सबको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है, तो किधर भी जो भी हमारे सोसाइटी में पब्लिक है सब इलेक्शन के लिए वोटिंग के लिए जरूर जाएंगे और सब बराबर जो भी सोच रहे हैं वैसे ही। गीता मैडम से वो तो शुरू से हमेशा जब भी हम लोग याद करते हैं तो आप आती ही हैं, और आज का ये आगमन विशेष इनका रहा क्योंकि आज मदर्स डे है, मातृशक्तियाँ यहाँ पर केक कटिंग के लिए इंतजार कर रही, तो एक मातृशक्ति के द्वारा केक कटिंग हुआ, ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट था हमारी इस सोसाइटी के महिलाओं के लिए। और साथ में इलेक्शन का माहौल है, हालांकि सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे उम्मीदवार भी यहाँ आते क्योंकि ऐसा पता चला था, लेकिन हमारे लिए तो आप ही हैं, तो हमारे आप ही हैं, तो आप आ गए तो मतलब ठीक है, वो भी है ही साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। माहौल तो पूरा है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, मोदी जी को आना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 400 पार के ऊपर का जो नारा है उसी को पूरा करना है, और मुझे लगता है जिस तरह से जोश, हम लोग अपनी सोसाइटी का तो पहले गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ पूरा जोश है और मैक्सिमम वोटिंग यहाँ से होगी और धनुष बाण हुआ इस बार। नहीं, हम लोग बोल ही रहे हैं, आपको मैं एक बार बताऊँ, मैं खुद भी और हमारी सोसाइटी के लगभग सभी और जितने भी हमारे मित्र मंडली हैं, हम सब एक कैंडिडेट की तरह ही लड़ रहे हैं समझ लो, क्योंकि हमारा ये देश हित में ये कर्तव्य है कि मोदी जी आए और नरेश जी जीत के अगर लोकसभा में जाएंगे तो मोदी जी की एक सीट बढ़ेगी, तो वो मजबूत होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी देश में होना बाकी है, वो तभी होगा जब ये जो नारा है 400 के पार वो होगा।
तो ये हम सब अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए हम सब एक कैंडिडेट की तरह ही लड़ रहे हैं, मान चलिए आप। तो मैं सभी महिला शक्ति को स्पेशली बोलूंगी कि जरूर जाएं, क्योंकि महिलाओं को कैसा होता है, खाना बना के जाएंगे, बाद में जाएंगे, खिला के जाएंगे, तो सभी महिलाओं शक्ति से अपील है कि जरूर जाएं।